टॉपिक है पेरी ऑपरेटिव केयर. नाउ पेरी ऑपरेटिव से व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? बिफोर द ऑपरेशन, इंट्रा ऑपरेटिवली दैट इज ड्यूरिंग द ऑपरेशन, एंड पोस्ट ऑपरेटिव. पेरी ऑपरेटिव केयर ऑफ द पेशेंट इंक्लूड्स ऑल ऑफ दीज थ्री काइंड ऑफ केयर ऑफ द पेशेंट. ठीक है, तो पेरी ऑपरेटिव केयर के अंदर अपने ये थ्री फेजेस, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव, राइट? नाउ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जरी यू डोंट नीड टू नो. प्री ऑपरेटिव इवैल्यूएशन एंड ऑप्टिमाइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन अ पेशेंट कम्स टू यू, ठीक है, यू हैव मेड अ डायग्नोसिस ऑफ दैट पेशेंट. फॉर एग्जाम्पल, दैट दिस पेशेंट इज ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन्स. ठीक है, गॉल स्टोन्स के साथ पेशेंट आपके अगर आया है कोलेलिथियासिस के साथ, यू मेड द डायग्नोसिस विद द हेल्प ऑफ वट एवर इमेजिंग टेक्निक. नाउ यू हैव प्लान द पर्सन फॉर अ सर्जरी. What do you understand by elective surgery, emergency surgery? What do you understand by that? We plan a date. We evaluate the patient properly in terms of preoperative. Ki kya patient ke preoperatively koi disease, koi morbidity to nahi hai? Is he diabetic? Is he hypertensive? Or has he got any other heart problem or stroke problem? Or he is prone for any kind of thrombosis? प्री ऑपरेटिव रिस्क हम पेशेंट के इवेल्यूएट करते हैं, उस अकॉर्डिंग उसको क्लासिफाई करते हैं. अगर इसमें से किसी भी प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइजेशन का नीड है, तो हम उस प्रॉब्लम को ऑप्टिमाइज करते हैं एंड देन वी गो फॉरवर्ड विद द सर्जरी, राइट? तो दैट इज प्री ऑपरेटिव. पहले पूरा का पूरा पेशेंट का होगा असेसमेंट. इट कम्स अंडर द हेडिंग ऑफ प्री एनेस्थेटिक चेकअप. दिस इज वॉट द एनेस्थेटिस्ट डू. ओके, दे डू द प्री एनेस्थेटिक चेकअप, विच इज द कम्प्लीट जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट. And the anesthetist will also include in this the history of the patient. Is he a smoker? Is he an alcoholic patient? According to that, the severity will be graded. Correct? Now, after evaluation of the patient, okay, you take the patient for surgery. For preoperatively, you need to know certain drugs. Ki kitne din pehle drugs ko stop kar dena hai, right? Antihypertensive medications jo aapke hote hain, they have to be given early morning on the day of the surgery with a sip of water. राइट, सो एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन के बारे में ये बात हो गई. एस इनहिबिटर्स आर टू बी ओमिटेड 24 आवर्स प्रायर आपको एस इनहिबिटर्स नहीं देने हैं. एंटी हाइपरटेंसिव लाइक ब्लीटा ब्लॉकर्स, उसके बाद स्टैटिन भी हम यूज करते हैं, ये आप ऑन द डे ऑफ द सर्जरी दे सकते हैं अर्ली मॉर्निंग. टॉकिंग अबाउट द एंटी डायबिटिक ड्रग्स, द ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, दे आर नॉट टू बी गिवन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी. इंसुलिन, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स पेशेंट को क्यों नहीं देंगे मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी में? बिकॉज द पेशेंट विल बी निल पर ओरल. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय निल पर ओरल? कुछ भी खाएगा नहीं, कुछ भी पिएगा नहीं. ठीक है, कमिंग टू एंटी प्लेटलेट एजेंट्स लाइक एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रल, नाम आपने सुने होंगे एंटी प्लेटलेट एजेंट्स के. इनको कितने टाइम पहले बंद करना है? इन सम बुक्स यू विल फाइंड एस्पिरिन को 7 डेज पहले बंद करना है, क्लोपिडोग्रल को 10 डेज पहले, जैसे डेली 27th एडिशन में दे रखा है. बट लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वी कैन ऑपरेट द पेशेंट इवन ऑन एस्पिरिन. एंड इफ आज कितने दिन के लिए आपको पेशेंट को एस्पिरिन कितने दिन पहले स्टॉप करनी है, तो 3 डेज प्रायर यू स्टॉप द ड्रग, राइट? सिमिलरली क्लोपिडोग्रल 5 डेज प्रायर यू विल स्टॉप द ड्रग. बट नाउ डेज पेशेंट्स कैन बी टेकन फॉर सर्जरी इवन वेन दे आर ऑन एस्पिरिन. डुअल एंटीप्लेटलेट एजेंट अगर चल रहा है, दोनों एस्पिरिन एंड क्लोपिडोग्रल, इन केस पेशेंट के स्टेंट लगा हुआ है, इन दैट केस वी हैव टू टेक सम डेज, द ड्रग हैज टू बी ओमिटेड फॉर सम डेज प्रायर. ओके, नाउ दीज आर द ड्रग्स. इसके अलावा वॉरफेरिन पे अगर कोई पेशेंट है आपके, तो वॉरफेरिन हैज टू बी स्टॉप 5 डेज प्रायर. इट हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय आइदर लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन, और इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय फैक्टर 10 इनहिबिटर्स लाइक डैबिजेट्रेन, रिवारोक्सबैन एंड ऑल ऑफ दीज एजेंट्स इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय. ठीक है, ऑन द मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी, नाउ टॉकिंग दीज आर द ड्रग्स, सम एग्जाम्पल्स ऑफ द ड्रग्स जो कैसे लेनी है बिफोर द सर्जरी, ये आपसे पूछ सकते हैं बेसिक आइडिया. देन वी कम टू जो बहुत बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए कि प्रायर टू सर्जरी फॉर हाउ मच ऑफ द टाइम यू हैव टू स्टॉप टेकिंग द ओरल सॉलिड्स, ओरल लिक्विड्स. तो सॉलिड्स के लिए कितने आवर्स है, एनी आइडिया? इन जनरल किसी के सर्जरी आसपास में होगी, पता होगा आपको कि इतने घंटे पहले सॉलिड लेने बंद कर देते हैं. 6 आवर्स. ठीक है, पहले 8 था, उसको और कम कर दिया, 6 आवर्स कर दिया इसको. लिक्विड्स के लिए 2 रिकमेंडेशन है. लिक्विड्स जैसे कि मिल्क कंटेनिंग लिक्विड्स होते हैं, मतलब जिनमें थोड़ा सा सॉलिड एलिमेंट हम मानते हैं, मिल्क को भी हम सॉलिड जैसा ही मानते हैं, उसको 4 आवर्स पहले ले सकते हैं. और क्लियर लिक्विड्स जो होते हैं, जैसे मान लो वाटर कंटेनिंग, जैसे शुगर, ये जो कार्ब मोलर ड्रिंक्स वगैरह होती हैं, दीज कैन बी टेकन 2 आवर्स प्रायर. ओके, पेशेंट वैसे NBM है, IV फ्लूइड आपको इस ड्यूरेशन में पेशेंट को देना है ताकि पेशेंट डिहाइड्रेट नहीं हो जाए आपका. ठीक है,
तो ये हो गया फ्लूइड कैसे लेनी है, ड्रग्स कैसे लेनी है बिफोर द सर्जरी। नाउ इंट्रा ऑपरेटिवली पेशेंट के प्री ऑपरेटिव केयर में एक दो कंपोनेंट्स और आते हैं। आप पेशेंट को एंटीबायोटिक देते हैं प्री ऑपरेटिवली, ओटी में इन्फ्यूजन लगने से 1 घंटा पहले यू हैव टू गिव द फर्स्ट डोज ऑफ एंटीबायोटिक। एंड देर आर देन सेपरेट इंडिकेशंस फॉर एंटीबायोटिक फॉर इन्फेक्शियस प्रॉब्लम्स, लाइक इफ पेशेंट इज हैविंग कोलेंजाइटिस, उसकी एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट प्रायर बढ़ जाएगा। तो ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेसिफिकली इन्फ्यूजन टाइम के 1 आवर प्रायर एंटीबायोटिक दिया जाता है, दिस इज वॉट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, नाउ अगर इंट्रा ऑपरेटिवली एनेस्थेटिक एजेंट्स ओपियोइड्स हम ज्यादा यूज करते हैं पेन ऑमिट करने के लिए, तो पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिवली नोजिया वॉमिटिंग की कंप्लेन्स रहती हैं। ओपियोइड यूज से साइड इफेक्ट होता है नोजिया वॉमिटिंग का। इनफैक्ट ओपियोइड यूज ऑल्सो कैन लीड टू पोस्ट ऑपरेटिव कॉन्स्टिपेशन, विच इज अ प्रॉब्लम अगेन। इन सम प्रॉब्लम से प्रॉब्लम क्या आती है, पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे इंक्रीज हो जाता है, विच वी डू नॉट वॉन्ट, राइट? तो फॉर दिस वॉट वी डू, हम प्री ऑपरेटिवली पेशेंट को एनसेट्स देना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम प्री ऑपरेटिवली पैरासिटामोल की इन्फ्यूजन पेशेंट को दे देंगे। इंट्रा ऑपरेटिवली हम फेंटनिल जैसे एजेंट्स को यूज करेंगे जो कि हैं, ओके? हम जो गैशियस एजेंट्स हैं लाइक नाइट्रस ऑक्साइड, इनके यूज को ऑप्टिमाइज करेंगे। जहां नीड होगी वहां करेंगे, जहां नीड नहीं होगी वहां पे यूज नहीं करेंगे। प्रोपोफोल वगैरह यूज नहीं करेंगे। तो ये सारे मेजर्स होते हैं। देर इज ऑल्सो अ मोडालिटी फॉर पेन जैसे कि एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, ये सर्जरी से पहले पेशेंट्स को लगाया जा सकता है। क्या करते हैं, एपिड्यूरल जैसे लगाते हैं एपिड्यूरल स्पेस के अंदर, जस्ट लाइक स्पाइनल निडल इंसर्शन, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर ही नीडल इंसर्शन होती है। उस स्पेस के अंदर एक कैथेटर फिर आप छोड़ देते हो, मतलब एक देर इज अ लॉन्ग कैथेटर, यू लीव इट इन दैट स्पेस एंड उससे आप इन्फ्यूजन देते रहते हो एनाल्जेसिक एजेंट्स की। तो उससे आपको सिस्टमिक ये सारे ओपियोइड वगैरह की जो नीड होती है वो मिनिमाइज हो जाती है। अगेन इट विल प्रोटेक्ट फ्रॉम पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया वॉमिटिंग, राइट? सो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया कैन बी गिवन इन सर्टन सर्जरीज, बट एपिड्यूरल अगेन आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज में यूज नहीं करते हैं, फाइन? एंड देन मोड ऑफ सर्जरी होता है कि पेशेंट को आप पहले ओपन सर्जरीज किया करते थे, अब आप लैप्रोस्कोपिक करते हो। चलो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? हाँ, मतलब बेसिकली इट इज अ एंडोस्कोप, माइक्रोस्कोप लगा हुआ है, कैमरा इंसर्ट होगा आपके, उसके बाद जो लॉन्ग ऑपरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उससे सर्जरी परफॉर्म की जाएगी एंड द इंसिजन गिवन विल बी वेरी स्मॉल। आई इमेजिन गिविंग अ 10 सेंटीमीटर इंसिजन ऑन द एब्डोमिनल वॉल और जस्ट 1 सेंटीमीटर के 2-4 इंसिजन है। ये तो जैसे हमारा नॉर्मल वूंड भरता है वैसे भर जाएगा, अच्छा पता भी नहीं पड़ेगा पेशेंट को, वूंड मॉर्बिडिटी बहुत कम होगी। ऑन द अदर हैंड अ 10 सेंटीमीटर बिग इंसिजन ऑन द एब्डोमिनल वॉल, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेन, इंक्रीज नीड ऑफ एनाल्जेसिक्स, पेशेंट को आराम से जो ओरल इनटेक पेशेंट की होती है वो उतनी नहीं हो पाएगी उस वजह से। फिर हम जब ओपन सर्जरीज करते हैं वी यूज बिग रिट्रैक्टर्स, जिनके नाम इंस्ट्रूमेंट्स में आप पढ़ोगे, डोरियंस रिट्रैक्टर, एब्डोमिनल वॉल रिट्रैक्टर, वो पकड़ के आप वॉल को पुल करते हो। अगेन शियरिंग स्ट्रेसेस होते हैं एब्डोमेन पे, इन स्ट्रेसेस की वजह से जो वूंड का लोकल एरिया है वहां पे पेशेंट को पेन बहुत रहती है, इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स होते हैं उस एरिया में बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं। सो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का एडवांटेज ओवर ओपन सर्जरी ये हो जाता है कि ये जो आपका इंसिजन है इसको कम करता है, ऑपरेटिव टाइम को कम करता है, पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट की पेन कम होती है, इंसिजन का साइज इज स्मॉलर, कॉस्मेटिकली इट इज बेटर। दीज आर सम ऑफ दी एडवांटेजेस, करेक्ट? नाउ कमिंग टू प्रिपरेशन, पार्ट प्रिपरेशन, जो पेशेंट की ऑपरेटिव साइट है उसकी प्रिपरेशन की अपन बात करते हैं। तो वी ऑफन इट इज, आप जो क्लिनिकल प्रैक्टिस ऐसे वार्ड्स में देखोगे यहाँ पे शेव करते हैं, बट बुक में क्या लिखा हुआ है कि क्या करना चाहिए, आइडियली हेयर क्लिपिंग एंड 1 डे प्रायर 1 नाइट बिफोर द पेशेंट हैज टू टेक अ बाथ फॉर क्लीनिंग पर्पसेज। देन इंट्रा ऑपरेटिवली जो एजेंट्स होते हैं जो आप यूज करते हो, बीटाडीन यूज करते हैं अपन, उनमें एक्टिव एजेंट होता है आयोडोफोर, तो ये आपके वायरस फंगाई सबके अगेंस्ट इट इज एक्टिव। बीटाडीन का पेंट करने के बाद, इसको पेंटिंग एंड ड्रेपिंग बोलते हैं, जब आप पोस्टिंग्स में जाओगे ये रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछेंगे, बेसिक थिंग्स आर एक्सपेक्टेड ऑफ यू, सॉरी। तो पेंटिंग के अंदर बेसिकली व्हाट यू डू, यू पेंट विद द बीटाडीन थिंग, ओके? तो बीटाडीन में वो जो आइडोफोर्स होते हैं वो जो भी इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट है उसको बाइंड कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट उसका पेंटिंग टाइम होता है, मतलब पेंट करके यू हैव टू लीव इट ऑन द सर्फेस फॉर अबाउट 5 मिनट्स, 3 to 5 मिनट्स इट हैज टू बी लेफ्ट देयर, डोंट वाइप इट ऑफ इमीडिएटली, करेक्ट? एंड अदर एजेंट्स भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, लाइक सेवलॉन वी कैन यूज, ओके? तो ये एजेंट्स, पार्ट प्रिपरेशन की बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। देन कम्स कैथेटराइजेशन। आजकल कैथेटराइजेशन, यूरिनरी कैथेटराइजेशन की नीड पहले से बहुत कम कर दी गई है, बिकॉज पोस्ट ऑपरेटिव वो हीलिंग, हर चीज का एक ही बात होती है कि पोस्ट ऑपरेटिव हीलिंग के अंदर, पोस्ट ऑपरेटिव में टाइम पेशेंट का कम से कम वेस्ट हो। आप जितना पेशेंट को कैथेटराइज करोगे पोस्ट ऑपरेटिवली, आप कैथेटर रिमूव करोगे, देन यू विल वेट फॉर द पेशेंट कि अब ये यूरिन पास करेगा तब जाके हम इसको डिस्चार्ज करेंगे।
छोटी सर्जरीज में इट इज नॉट बींग डन नाउ डेज, राइट। पेल्विक सर्जरीज में हम बोलते हैं कि पेल्विक सर्जरीज में हम कैथेटराइज कर दें ताकि ब्लैडर एम्प्टी रहे, ताकि हम जब ऑपरेट कर रहे हैं पेल्विस में हम कंफ्यूज ना हो ब्लैडर से और ब्लैडर को डैमेज नहीं कर दें, ठीक है। एनी सर्जरी विच इज कंटिन्यूइंग फॉर मोर देन 2 आवर्स वी विल कैथेटराइज दैट पेशेंट, क्योंकि उसमें इंट्रा ऑपरेटिव कैथेटराइजेशन इज नीडेड। मोर देन 2 आवर्स ब्लैडर फुल होके आपका जो फील्ड है उसको ऑब्स्क्योर कर देगा, करेक्ट। सो ये राइज ट्यूब इंसर्शन ये भी हम इंट्रा ऑपरेटिवली ही करते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर्स। देन यू हैव टू इन डिटेल इवेल्यूएट ऑल द सिस्टम्स ऑफ द पेशेंट, बी इट द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द पेशेंट, अगर पेशेंट सीओपीडी का है या पेशेंट एस्थमेटिक है तो जो भी ड्रग्स देनी है, नेबुलाइजेशन करवाना पड़ेगा आपको पेशेंट को प्री ऑपरेटिवली, चेस्ट की कंडीशन यू हैव टू चेक, और ऑक्सीजन की नीड भी हो सकती है पेशेंट को डिपेंडिंग अपॉन द रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ दैट पेशेंट, राइट। वी हैव स्पोकन अबाउट अपने जीआई को कैसे करना है, सॉलिड्स कब देने हैं, लिक्विड्स कब देने हैं। पेशेंट अगर है आपके जैसे हाइपरटेंशन, ओबेसिटी का पेशेंट है, प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट पेशेंट है, तो उसके जो वॉल्यूम होती है उसका रिफ्लक्स बहुत ज्यादा होता है। फॉर दैट वी विल गिव प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, राइट। देन वी कम टू रीनल डिजीजेस, बेसिकली आरएफटी पेशेंट का नॉर्मल होना चाहिए। चलो पेरी ऑपरेटिव केयर अपना टॉपिक है आज का, ठीक है। नाउ व्हाट डू अंडरस्टैंड, आई विल फिनिश इट ऑफ इन हाफ एन आवर, ठीक है। पेरी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय पेरी ऑपरेटिव केयर? सराउंड, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव, करेक्ट। इंट्रा ऑपरेटिव ड्यूरिंग द सर्जरी, प्री ऑपरेटिव व्हाट यू विल डू फॉर द पेशेंट बिफोर द सर्जरी, एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर, ये तीनों एस्पेक्ट इंक्लूड करता है। इट इज एक्चुअली अ वेरी बिग चैप्टर, वी विल हैव टू फिनिश इट ऑफ अ बिट फास्टर। तो प्री ऑपरेटिव केयर के अंदर आपको पेशेंट का क्या करना है, ठीक है। यू मतलब आई एम नॉट टेलिंग यू टू टेल मी अबाउट द केयर और द एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट विच यू हैव टू डू रिगार्डिंग द पर्टिकुलर अफेक्टेड ऑर्गन, वॉट हैज टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट आया कोलीलिथियासिस, प्लान फॉर इलेक्टिव कोलीसिस्टेक्टमी, what will you do preoperatively for the patient, which is universal for every patient actually. Evaluate करोगे सबसे पहले patient के सारे systems को, ठीक है। patient को under general anesthesia जाना है या under regional anesthesia जाना है, for that purpose patient has to have certain level of fitness, okay। general anesthesia DI patient खुद से respire नहीं कर पाएगा, उसको आप ventilator पे डालेंगे for the purpose of respiration। तो पेशेंट के जो फंक्शंस हैं लिवर के ऑर्गन्स, अपने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसका हेड एंड नेक, ये सब इंटैक्ट होना चाहिए एंड फुल फंक्शन होना चाहिए फॉर अ बेटर केयर। सो यू विल इवैल्यूएट इन डिटेल द पेशेंट फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ओके। जनरल एग्जामिनेशन में यू हैव टू लुक फॉर अनीमिया, जॉन्डिस, द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पेशेंट, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम फॉर हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज प्रीवियसली है, स्टेंट हो रखा है पेशेंट के पहले कि नहीं हो रखा है, पेशेंट एट द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस है कि नहीं है, ओके। रेस्पिरेटरी में पेशेंट की पूरी रेस्पिरेटरी वैल्यूएशन, उसकी पेशेंट की रेट, चेस्ट एक्सपेंशन पूरा, सैचुरेशन ऑफ द पेशेंट, ठीक है। इसके बाद चेस्ट आप इवेल्यूएट करेंगे फ्रॉम द एपेक्स टू द बेस, पेशेंट के कोई रोंकाई, वीजिंग, ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जीआई पूरी इवेल्यूएट करोगे आप पेशेंट के, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस उसका, कॉन्शियसनेस लेवल उसका, सब कुछ, एंड एयरवे का असेसमेंट करते हैं, राइट। एयरवे असेसमेंट के लिए वी हैव दैट मलम पट्टी ग्रेडिंग सिस्टम, ओके। सो मलम पट्टी की 4 ग्रेड्स होती हैं, एयरवे असेसमेंट एनेस्थीसिया वालों ने आपको बताया होगा। ग्रेड 1 में क्या होता है कि आपको ओरल कैविटी का कंपोनेंट्स दिखता है, फॉसेस, पिलर्स, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, राइट। ग्रेड 2 में आपको सॉफ्ट पैलेट का यूव्यूला पूरा नहीं दिखता, सम पार्ट ऑफ द यूव्यूला इज विजिबल। व्हाट हैपेंस इज इन ग्रेड 3 इज यूव्यूला इज नॉट विजिबल एट ऑल, ओनली द फॉसेस एंड द सॉफ्ट पैलेट एंड हार्ड पैलेट आर विजिबल, राइट। एंड इन ग्रेड 4 यू कैन सी ओनली द हार्ड पैलेट, नॉट इवन द सॉफ्ट पैलेट। इससे क्या पता चलता है पेशेंट के कि एयरवे में इंट्यूबेशन कितना इजी है, कितना डिफिकल्ट है। तो एंटिसिपेट हम करके रखते हैं पहले से कि इट विल बी अ डिफिकल्ट इंट्यूबेशन और एन इजी इंट्यूबेशन, एंड वर्क अकॉर्डिंगली, करेक्ट। सो दिस इज फॉर द रेस्पिरेटरी सिस्टम एग्जामिनेशन। देन सीवीएस एग्जामिनेशन में ईसीजी उसका मेजर कॉम्पोनेंट है, चेस्ट एक्सरे आप करवाओगे पेशेंट का, राइट। ईसीजी में अगर कोई एबनॉर्मलिटी आती है तो हम पेशेंट की इकोकार्डियोग्राफी भी करवा सकते हैं, वॉट एवर इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू दैट। हायर इन्वेस्टिगेशन विल ओनली बी डन अगर प्रेलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन पेशेंट की अब नॉर्मल आई है तो। ब्लड टेस्ट हम सारे करवाते हैं पेशेंट के, एज वी हैव टू लुक फॉर अनीमिया, जॉन्डिस, तो जो बेसिक कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, ब्लड शुगर एनालिसिस, पेशेंट शुड नॉट बी डायबिटिक और इफ डायबिटिक शुड बी अंडर कंट्रोल, राइट। तो ये सारे इवेल्यूएशन, ब्लड इवेल्यूएशन हमें करवा के रखने हैं पेशेंट के प्रायर। देन वी कम टू प्री ऑपरेटिव पेशेंट की हिस्ट्री, कोई मॉर्बिडिटी तो नहीं है, वॉट डू अंडरस्टैंड बाई मॉर्बिडिटी? Any problem, any disease of the patient which will affect the patient's outcome,
राइट. सो एनी प्री मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस कोलीलिथियासिस, वॉट एवर पेशेंट को डिजीज है, ठीक है, हाइपरटेंशन हो सकता है पेशेंट के, डायबिटीज हो सकती है, मेजरली यही होता है. तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि इनकी ड्रग्स कब स्टॉप करनी, क्या करनी है. तो प्री ऑपरेटिवली फॉर एग्जाम्पल पेशेंट इज डायबिटिक, ब्लड शुगर शुड बी वेल अंडर कंट्रोल ऑन ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स और ऑन इंसुलिन, राइट. ऑन द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी यू विल ऑमिट द डोज ऑफ इंसुलिन, यू विल नॉट गिव एनी ओरल हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग, यू विल सी द फास्टिंग ब्लड शुगर, ब्लड शुगर शुड बी प्रेफरेबली बिफोर बिलो 180 mg पर डीएल, ओके, प्रेफरेबली इससे कम होना चाहिए, क्योंकि ब्लड शुगर अगर हाई साइड होती है तो वो वुंड हीलिंग इम्पेयर करती है पेशेंट के, सीधे सीधे डायबिटिक पेशेंट्स के वुंड हील नहीं करते, प्लस दे आर प्रोन फॉर एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ओके. वाई? बिकॉज द हाई ब्लड शुगर विल वीकन द ल्यूकोसाइट्स विच आर द प्रोटेक्टिव फैक्टर्स फॉर द बॉडी, ओके. कमिंग टू हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ऑन द मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी हैव टू बी गिवन विद अ सिप ऑफ वाटर, ओके. स्टैटिन्स आर टू बी गिवन, बीटा ब्लॉकर्स आर टू बी गिवन, ओके. वॉट इज टू बी ऑमिटेड आर एस इनहिबिटर्स 24 आवर्स प्रायर ऑमिट करना है, एंटी प्लेटलेट एजेंट्स एस्पिरिन स्टॉप 2 to 3 डेज बिफोर सर्जरी, क्लोपिडोग्रेल 5 डेज बिफोर सर्जरी, अगेन वॉरफेरिन स्टॉप 5 डेज बिफोर सर्जरी, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन यू कैन गिव, ओके, ये आफ्टर स्टॉपिंग वॉरफेरिन आप लो मॉलिक्यूलर वेट हेपेरिन से कंटिन्यू कर सकते हो. सिमिलरली रिवारोक्सबैन, डैबिगैट्रैन, फैक्टर 10 इनहिबिटर्स कंटिन्यू कर सकते हो, ओके. पेशेंट कोई एंटी कन्वर्जेंट पे है, एपिलेप्सी का पेशेंट है, तो एंटी कन्वर्जेंट एजेंट ऑन द मॉर्निंग ऑफ सर्जरी आपको देना है, ओके. वी डोंट वॉन्ट द पेशेंट टू हैव एनी काइंड ऑफ सीजर ड्यूरिंग द सर्जरी और इवन आफ्टर द सर्जरी, दैट हैज टू बी गिवन. थायरॉक्सिन, पेशेंट हाइपोथायरॉयड है, द ड्रग हैज टू बी गिवन ऑन द मॉर्निंग ऑफ द सर्जरी. सो दीज आर द बेसिक ड्रग्स दैट यू नीड टू नो. कमिंग टू ओरल सॉलिड्स, 6 hours बिफोर सर्जरी यू कैन गिव सॉलिड्स. फॉर क्लियर लिक्विड, एंड वॉट डू यू मीन बाई क्लियर लिक्विड? जिसमें मिल्क नहीं होगा किसी भी टाइप का, इट शुड बी क्लियर वॉटरी लिक्विड, इट कैन हैव शुगर एक्सेट्रा. तो वो जो क्लियर लिक्विड है वो आपको देने हैं टिल 2 hours बिफोर, ये लेटेस्ट गाइडलाइंस है, नॉट 4 to 6 hours, 2 hours बिफोर द सर्जरी यू कैन गिव दैट, ठीक है. देन पेशेंट नील पर ओरल रहेगा. इसके अलावा आईवी फ्लूड हमें देना है सो दैट द पेशेंट डज नॉट गेट डिहाइड्रेटेड. अगर लॉन्ग सर्जरी एंटिसिपेटेड है, कैथेटराइज करना पड़ेगा पेशेंट को, 2 घंटे से बड़ी सर्जरी में कैथेटराइजेशन करना पड़ता है, यूरिनरी कैथेटराइजेशन. एंटीबायोटिक इंसिजन टाइम से 1 hour प्रायर दिया जाता है. हम एनाल्जेसिक्स हम पहले से देना स्टार्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल पैरासिटामोल. अगर कोई लॉन्ग सर्जरी ओपन चलनी है तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया देते हैं आजकल. एपिड्यूरल स्पेस में वी इंसर्ट अ कैथेटर एंड एनाल्जेसिक्स आर गिवन इन दैट स्पेस. इंजेक्टेबल आईवी कंटिन्यूस इन्फ्यूजन के फॉर्म में, नॉट आईवी, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन दिया जाता है उसका कैथेटर के थ्रू. डायरेक्टली एपिड्यूरल स्पेस में जाएगा और जो भी हमारा लेवल ऑफ एक्शन रिक्वायर्ड है उस लेवल तक वो काम करेगा, ठीक है. तो ये होती है पूरी प्री ऑपरेटिव केयर. अब आता है पार्ट प्रिपरेशन. पार्ट प्रिपरेशन में पार्ट को पूरा स्क्रब करना है पेशेंट को. सबसे पहले यू हैव टू इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट द पेशेंट हैज टू बेथ बिफोर सर्जरी, ओके, एंड द हेयर शुड बी क्लिप्ड. आइडियल मेथड इज क्लिपिंग ऑफ हेयर. शेविंग शुड नॉट बी डन 24 hours प्रायर. शेविंग, उससे क्या होता है, इंक्रीज होती है इन्फेक्शन की चांसेस. हालांकि वार्ड्स में ये सिस्टम अभी भी चलता है कि आप शेव उसको 12 hours पहले, 24 hours पहले करके रख देते हो पेशेंट को, बट दैट इंक्रीज द चांस ऑफ लोकल इन्फेक्शन, ठीक है. प्रेफरेबली शेव करना है तो इट इज सेट कि आप इंट्राऑपरेटिवली पेशेंट इन द ओटी, जो आपका प्री ऑपरेटिव रूम सेटअप होता है, वहां पर पेशेंट की शेविंग परफॉर्म करो अगर आपको करनी है तो. अदरवाइज क्लिपिंग ऑफ द हेयर इज आइडियल, बट दिस इज नॉट वॉट यू विल फाइंड इन प्रैक्टिस एक्चुअली, ओके. सो वी हैव प्रिपेयर द पार्ट, नाउ कम्स द इंट्राऑपरेटिव पार्ट. सो इंट्राऑपरेटिव पार्ट में आता है सबसे पहले हमारा एनेस्थेटिक जो काम होता है. इसमें जो इनहेलेशनल एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं, इफ used aggressively, they will increase post-operative nausea, vomiting. Okay, so they have to be used with care. They have to be used only for very long surgeries. It has a deeper level of anesthesia required. होती है. Nitrous oxide, sevoflurane, ये सारी चीजें जो होती हैं. Short-acting agents दे सकते हैं, जैसे fentanyl prefer किया जाता है. Okay, इसके अलावा जो opioids होते हैं, वो हमें pain के लिए भी post-operatively हमें avoid करने होते हैं. और वो कैसे अवॉइड होते हैं? प्री ऑपरेटिवली आपने पेशेंट को एनाल्जेसिया देना स्टार्ट कर दिया, प्री ऑपरेटिवली आपने उसका पैरासिटामोल दे दिया, इंट्राऑप एक डोज दे दी आपने पैरासिटामोल की या दूसरे एनसेट्स की. और इसके अलावा एपिड्यूरल एनाल्जेसिया वगैरह ये कम करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव ओपियोइड डोजेज को. बिकॉज ओपियोइड से प्रॉब्लम क्या होती है पोस्ट ऑपरेटिवली, कैन यू टेल मी? एंड कॉन्स्टिपेशन होता है. हम पेशेंट को डिस्चार्ज कब करते हैं? जब वो यूरिन पास कर दे, मोशन पास कर दे, ठीक है, आईलेस ना हो उसको, तब हम डिस्चार्ज करते हैं. तो इसीलिए कॉन्स्टिपेशन होता है. तो उससे फर्दर क्या होती है, पेशेंट की हॉस्पिटल स्टे बढ़ जाती है,
एंड वी डोंट वॉन्ट दैट राइट. तो उसको अवॉइड करने के लिए देर आर सेवरल थिंग्स यू कैन डू. ओके तो इंट्राऑपरेटिव दिस इज द थिंग. अब अनीमिया के लिए आपने वैल्यूएट कर लिया, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है कि नहीं उसका डिसीजन लेना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट गाइडलाइंस. व्हाट वी से इज 6 हीमोग्लोबिन है अगर पेशेंट का, देन इंट्रा आपको प्री ऑपरेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ेगा पेशेंट के. ओके इफ देर हीमोग्लोबिन 8 है और मेजर ब्लड लॉस नहीं होना है सर्जरी के अंदर, तो इसके ऊपर आप डेफर कर सकते हो, मतलब यू कैन अवॉइड ब्लड ट्रांसफ्यूजन. बट इफ अ मेजर सर्जरी हैज टू बी टेकन प्लेस कि भाई इंट्रा एबडोमिनल हो रही है, कोई इंट्राक्रेनियल हो रहा है, इसमें हैवी ब्लीडिंग होता है, तब आप उसको दोगे. 10 पे देने की आपको कोई नीड ही नहीं है प्री ऑपरेटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन. बट वॉट वी डू अगर इफ वी आर एंटिसिपेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस इन द पेशेंट, कोई हम ट्रॉमा का पेशेंट आ गया है, आपको कोई इंट्राक्रेनियल सर्जरी परफॉर्म करना है, इंट्राथोरेसिक करना है, मेजर इंट्रा एबडोमिनल सर्जरी परफॉर्म करनी है, तो इसमें आप प्रायर पेशेंट की ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग करवा के रखोगे सो दैट इन केस ऑफ एमरजेंसी रिक्वायरमेंट ऑफ इंट्राऑपरेटिव ब्लड यू कैन गेट इट फास्ट. बिकॉज क्रॉस मैचिंग इटसेल्फ टेक्स 45 मिनट्स, इमीडिएटली चाहिए तो टाइम नहीं होता इतना कि आप क्रॉस मैच कर सको. ओके देन देर आर सम अदर फैक्टर्स जो आपकी पोस्ट ऑपरेटिव मॉर्बिडिटी बढ़ा देते हैं, जैसे कि ओबेसिटी. तो इलेक्टिव सर्जरी है तो आपको उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को कहना है कि वेट वेट लॉस करे, बट इट इज एन एमरजेंसी सर्जरी तब आप नहीं भी कर सकते. पोस्ट ऑपरेटिव ओबीस पेशेंट्स में रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस और कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस की रिस्क रहती है. अगर आपके कोई पेशेंट है हु इज ऑलरेडी प्रोन टू वीनस थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, क्या पता है आपको थ्रोम्बो एम्बोलिज्म के बारे में, चलो बेसिक जनरल आइडिया क्या है, किसमें होता है, क्यों होता है, हाइपरकोएगुलेबिलिटी है, किसमें होती है, वो तो बन जाता है पर क्यों बनता है, कैसे बनता है, मतलब मैं फिजियोलॉजी नहीं पूछ रही उसकी, मैं पूछू किन पेशेंट्स में बनता है, किन पेशेंट्स में हमें ध्यान रखने की जरूरत है. लॉन्ग स्टैंडिंग सर्जरीज जो होती हैं ऑब्वियसली जिसके अंदर प्रोलॉन्ग बेड रिडन आपको पेशेंट चाहिए, जैसे आपकी लोअर लिम सर्जरीज हो रही है तो उसमें तो पेशेंट वैसे भी मोबिलाइज नहीं हो सकता. ऑर्थोपेडिक सर्जरीज बेसिकली प्रेग्नेंट पेशेंट वो ऑलरेडी एक हाइपरकोएगुलेबल स्टेट में. कोई ऐसा पेशेंट जिसके लार्ज अबडोमिनल वॉल अबडोमिनल ट्यूमर है, इंट्रा अबडोमिनल ट्यूमर है, ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है आपके जो वैस्कुलेजर होता है ना इट इज कंप्रेस, और कंप्रेशन की वजह से वहां पे स्पीड ऑफ ब्लड होती है कम, तो वहां पे स्टेसिस की वजह से आपके थ्रोम्बस बनने के चांसेस है. नाउ जैसे ही आप सर्जरी के बाद वो थ्रोम्बस क्या होता है एम्बोलाइज होकर आपके लंग्स में जा सकता है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर देगा आपके, या फिर लोअर लिम में रहा तो वो डीवीटी कर देगा, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस. ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम कि लॉन्ग स्टैंडिंग सर्जरीज, अबडोमिनल सर्जरीज, लोअर लिम सर्जरीज, पेशेंट को वैसे ही आप मोबिलाइज नहीं करा रहे. अगर इट इज नॉट अ गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस टू नॉट मोबिलाइज द पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली, जैसे पेशेंट चाहेगा कि पोस्ट ऑपरेटिवली वो लेटर है, वो हिले ही नहीं अपनी जगह से, बट उसमें क्या होता है लोअर लिम में वही जो वीनस साइनोसॉइड्स होते हैं वहाँ पे आपके थ्रोम्बस बन जाता है. ओके सो यू हैव टू मोबिलाइज द पेशेंट. वॉट एल्स यू कैन डू, अब जिन पेशेंट्स को आप मोबिलाइज नहीं कर सकते तो उनके लिए डीवीटी प्रोफाइल एक्सेस के लिए आती है स्टॉकिंग, इंट्राऑपरेटिव स्टॉकिंग यूज कर सकते हो. और डीवीटी के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स अब आते हैं कि आप स्टॉकिंग्स की तरह आप पेशेंट के लेग्स पे लगा देते हो, ठीक है, और उसमें कुछ वाइब्रेशंस होती हैं वो दी जाती हैं, सो दैट मतलब वो पंप करता है बेसिकली आपके काफ मसल्स को, सो दैट द ब्लड इज फ्लोइंग एंड इट इज नॉट स्टैटिक ओवर देयर. ओके सो दीज आर द थिंग्स दैट वी डू. आफ्टर एयरवे असेसमेंट आई हैव टोल्ड यू दैट ग्रेडिंग, मलम पट्टी टेस्ट में आपको बता चुकी हूँ एयरवे असेसमेंट के लिए. ठीक है, नाउ देर इज वन मोर थिंग कॉल्ड द ASA ग्रेड. आपको अगर आंसर लिखना आता है तो ये ग्रेडिंग आपको और लिखनी है ASA ग्रेड. ASA क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजी ग्रेडिंग सिस्टम. इसकी 5 ग्रेड्स होती हैं. ग्रेड 1 इज अ परफेक्टली हेल्दी पेशेंट जस्ट लाइक यू, अ यंग एज पेशेंट. ग्रेड 2 इज अ माइल्ड सिस्टमिक डिजीज पेशेंट विद नो फंक्शनल लिमिटेशन. इसमें वो पेशेंट्स आएंगे जैसे डायबिटिक्स या हाइपरटेंसिव हैं बट ऑन मेडिकेशन परफेक्टली दे आर अंडर कंट्रोल. ओके ग्रेड 3 में दे आर सीवियर सिस्टेमिक डिजीज and this is a definite function, they are having a definite functional limitation. जैसे diabetic या hypertensive patients जो on medication भी under control नहीं है, उनकी blood sugar control में नहीं है, उनका blood pressure control में नहीं है, these are grade 3. अब grade 4 आता है आपका severe systemic disease which is a constant threat to life. जैसे left ventricle ejection fraction is severely decreased, तो ऐसे patients में surgery करना इतना impossible जाता है क्योंकि it is said कि spinal anesthesia जब हम देते हैं पेशेंट का इजेक्शन फ्रैक्शन आफ्टर गिविंग एनेस्थीशिया इटसेल्फ फॉल्स बाय 30%. अगर पेशेंट का ऑलरेडी 30% या उससे कम है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द पेशेंट. ओके
एंड ग्रेड 5 इज अ मॉरीबंड पेशेंट, जिसमें सर्जरी अगर हम 24 आवर्स में परफॉर्म नहीं करेंगे तो द डिजीज इटसेल्फ इज अ थ्रेट टू लाइफ, इमीडिएट थ्रेट टू लाइफ. सो ग्रेड 5 इज अ मॉरीबंड पेशेंट हु इज अनलाइकली टू सर्वाइव 24 आवर्स विद और विदाउट सर्जरी. सो मतलब इस पेशेंट के लिए बात एक ही है, विद सर्जरी विदाउट सर्जरी सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है. एंड देन इसमें एक ई एक एक्स्ट्रा आता है, ई इसमें हम लगा देते हैं फॉर एन इमरजेंसी ऑपरेशन, क्योंकि इमरजेंसी ऑपरेशन में हमारे पास लिमिटेशंस ये होती हैं कि हमारे पास पेशेंट को इवैल्यूएट करने का टाइम नहीं होता है, कोई भी उसका मॉर्बिडिटी उसका हमें इवैल्यूएशन कुछ भी नहीं पता. जो प्रॉब्लम आएगी वो इंट्राऑपरेटिव आएगी, और ऑब्वियस बात है आप विदाउट प्रिपरेशन किसी चीज़ को फेस करोगे तो उससे क्या होती है, मॉर्टैलिटी बढ़ जाती है पेशेंट की. ओके, सो ये दो ग्रेडिंग सिस्टम्स आपको पता होने चाहिए. कहीं आंसर लिखोगे इसमें ऐड करोगे तुम्हारे मार्क्स इसमें बढ़ जाएंगे. ओके, बाकी सारे स्कोर यू डोंट नीड टू रिमेम्बर. देन देयर कम्स प्री ऑपरेटिवली कंसेंट. प्री ऑपरेटिव केयर का कंसेंट एक मेजर पार्ट है. कंसेंट आपकी इसमें जो पॉइंट्स हैं मैं बहुत ब्रीफली आपको बता देती हूँ. पेशेंट को यू हैव टू टेल अबाउट द डिजीज, व्हाट डिजीज ही इज सफरिंग फ्रॉम, ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच विल अराइज एज द रिजल्ट ऑफ डिजीज. ओके, यू हैव टू गिव द पेशेंट ऑल पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस, दैट दिस इज द मोड ऑफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट विदाउट एनी सर्जरी. सर्जिकल ट्रीटमेंट इस तरीके का है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हम करेंगे तो इसका ये रिजल्ट है, रेकरेंस इतने हो सकते हैं, और सर्जिकल ट्रीटमेंट में ये रिजल्ट है. दिस इज हाउ यू हैव टू गिव द पेशेंट ऑल द ट्रीटमेंट ऑप्शंस. ओके, मतलब द पेशेंट हैज टू बी टोल्ड अबाउट द थिंग्स कंप्लीटली. इट इज एन ऑफेंस टू नॉट टेल द पेशेंट और नॉट टेक कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट. ठीक है, जो हम मूवीज में देखते हैं ना कि रिश्तेदार से ले ली कंसेंट, उन्होंने हाना कर दिया और डिसाइड कर दिया, नहीं. पेशेंट में अगर आप इमरजेंसी सर्जरी भी कर रहे हो तो भी आपको पेशेंट से कंसेंट लेनी होती है, अनलेस पेशेंट आपका बेहोश है, मतलब उसका GCS कम है, उसका 3 से कम है, सेन माइंड में नहीं है, या साइकाइट्रिक या डिपेंडेंट पेशेंट है. ओके, अडल्ट पेशेंट में यू हैव टू टेक कंसेंट फ्रॉम द पेशेंट, उसकी कंसेंट साइंड होना इज वेरी मच मोर इम्पॉर्टेंट देन एनी अदर सिग्नेचर. फाइन, इसके बाद एक्सप्लेन ऑल द रीजनेबल ऑप्शन एंड डिस्कस ऑल द मटीरियल रिस्क. आफ्टर एक्सप्लेनिंग द ट्रीटमेंट ऑप्शन यू हैव टू डिस्कस विद द पेशेंट दैट दीज आर द पॉसिबल रिस्क. इफ दीज रिस्क अराइज वी विल टेक सो एंड सो डिसीजन, इट कुड इम्पैक्ट योर लाइफ इन सो एंड सो मैनर. तो इन दैट केस आप किस चीज़ के लिए हो, रेडी हो कि नहीं हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पेशेंट के परफोरेशन पेरिटोनाइटिस का हमारे पास आता है, यानी कि आपके विस्कस में कहीं पे देर इज अ स्मॉल, मतलब वो उसके बाद देर इज स्पिलेज ऑफ द पेरिटोनियल कंटेंट एंड देर इज पेरिटोनाइटिस. बिफोर टेकिंग द पेशेंट फॉर सर्जरी वी आर नॉट अवेयर कि कितना डैमेज हो चुका है गट का, गट की कौन सी पार्ट डैमेज हुई है. तो मुझे ये नहीं पता प्री ऑपरेटिवली कि मेरा प्राइमरी रिपेयर उस पेशेंट का हो जाएगा डिफेक्ट का, कि मुझे रिसेक्शन एनास्टोमोसिस करना पड़ेगा, कि पेशेंट के स्टोमा निकालना पड़ेगा. तो हम प्री ऑपरेटिवली तीनों चीज़ों की पेशेंट को बताएंगे कि आपके ऐसा छेद भी हो सकता है जो एक ही बार में रिपेयर हो जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हमें इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट एक्साइज करना पड़े, क्योंकि उससे पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट को ओरल इनटेक रिज्यूम करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, उसकी भी कंसेंट लेनी है, थर्ड स्टोमा की भी कंसेंट लेनी है आपको. ठीक है, तो ये प्री ऑपरेटिवली हमें एंटिसिपेट करना है कि ये पॉसिबिलिटीज हैं, उसको समझाना है, एंड देन उन रिस्क के हिसाब से वी हैव टू टेक द कंसेंट. फाइन, नाउ आफ्टर कंसेंट कम्स अरेंजिंग ऑफ द थिएटर, जहाँ पे आपको प्री एनेस्थीसिया वाले जो लोग होते हैं दे विल प्रिपेयर फॉर देमसेल्व्स, कि वो आपके लैरिंजियल मास्क, सारे नंबर्स की ट्यूब्स, जो एंडोट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं वो अरेंज करेंगे, वेंटिलेटर रेडी रखेंगे, सारी इमरजेंसी ड्रग्स रेडी रखेंगे, और एज वेल एज जो सेडेट करने के लिए पेशेंट को चाहिए वो ड्रग्स रेडी रखेंगे. हमारे जो प्रिपरेशन का पार्ट आता है उसमें पेशेंट का ओटी टेबल आता है, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, इफ वी आर परफॉर्मिंग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी द लैप्रोस्कोपिक सेटअप, द कैमरा सेटअप, ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम. एंड देन द नर्सिंग पार्ट में सारे इंस्ट्रूमेंट्स की जो भी ऑटोक्लेव हुआ है नहीं हुआ है, अमाउंट ऑफ मॉक्स दैट वी आर गोइंग टू यूज, गॉर्जेस दैट वी आर गोइंग टू यूज, ये उनका आ जाता है पार्ट सारा का सारा. सो ये लिस्ट होती है. देन एनेस्थीसिया वाला पार्ट आता है, जो आपको एनेस्थीसिया वाले बताएंगे. What you should know according to me is कि there are two types of anesthesia, general and regional. General, you know, patient को properly बेहोश करके tube डाली जाएगी, ventilator पे रखा जाएगा, simple हिंदी में. Regional क्या होता है, spinal anesthesia भी regional anesthesia का form है. Basically आप एक region को block कर दोगे. Okay, तो regional में spinal आ जाता है, axillary block, scalene block, brachial वाला block आ जाएगा, all types of blocks and spinal anesthesia. ठीक है, तो you should know these two modes of anesthesia. Then comes local में आपके local anesthesia भी, you should know what local anesthesia is. में lignocaine use करते हैं अपन 5%. ठीक है, साथ में adrenaline mix होता है, तो उसके क्या benefits होते हैं कि भाई वो उसी जगह पे रहता है concentrated. कहाँ पे use नहीं करना, general knowledge के लिए basically.
हाँ बेसिकली आपको फिंगर टिप्स पे कहीं पे भी यूज नहीं करना, क्योंकि वो एंड आर्टरीज होती हैं, एंड आर्टरीज होती हैं, गैंग्रीन हो सकता है आपके पोस्ट ऑपरेटिवली, यू शुड नो दिस. ओके, नाउ कम्स न्यूट्रिशन एंड फ्लूइड थेरेपी. फ्लूइड थेरेपी क्यों इंपॉर्टेंट होती है आपके पेशेंट के लिए? क्योंकि एक्सेस फ्लूइड इज ऑल्सो बैड एंड लेस इज ऑल्सो बैड. कम दोगे पेशेंट विल बी डिहाइड्रेटेड, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर डिमांड्स विल नॉट बी मेट, पेशेंट विल नॉट बी एबल टू हील, उसकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर फॉल करेगा. तो दैट इज हाउ, मतलब कम फ्लूइड देना विल इम्पैक्ट. एंड एक्सेस फ्लूइड, इफ यू गिव एक्सेस फ्लूइड, वेयर विल इट अक्यूमुलेट इन द वॉट टिश्यू, बेसिकली विल बी थ्रेटफुल टू द लाइफ. किस टिश्यू में अक्यूमुलेशन हुआ तो वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है. लंग्स में एक्सेस फ्लूइड आपके लंग्स में जाएगा, ठीक है, लंग की आपकी जो कैपेसिटी है उसको डिक्रीज करेगा, पोस्ट ऑपरेटिव न्यूमोनिया करवाएगा पेशेंट को आपके. तो फ्लूइड यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके, ठीक है. तो उसका फॉर्मूला वही है फॉर द इनिशियल 10. मेंटेनेंस फ्लूइड क्या होता है कि कितना बॉडी को मेंटेन करने के लिए चाहिए, उसका वही फॉर्मूला है 100 ml पर kg फॉर द इनिशियल 10, देन 50 ml पर kg, देन 20 ml पर kg फॉर एवरी अदर kg. ओके, पोस्ट 20 kg, 10 के लिए तो कितना 100 ml पर kg, फिर नेक्स्ट 20 kg के लिए 50, उसके आगे के लिए 20 ml पर kg. ये मेंटेनेंस फ्लूइड रिक्वायरमेंट है. पर साथ में हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, फ्लूइड लॉसेस को ऐड करना पड़ेगा. अगर पेशेंट के 1 liter ब्लड लॉस हुआ है, या पेशेंट ओपन पड़ा था, ओपन सर्जरी चाहिए, तो इवेपोरेटिव लॉसेज होते हैं पेशेंट के, यूरिन में लॉस होता है, ठीक है, यूरिन के अलावा पेशेंट के वॉमिटस से लॉस होता है, तो राइस ट्यूब में कितना आया, ये सारे लॉसेज को ऐड करना पड़ेगा मेंटेनेंस फ्लूइड के, देन कम्स द टोटल फ्लूइड रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है. दिस इज वेयर फ्लूइड इज इंपॉर्टेंट. न्यूट्रिशनल स्टेटस पेशेंट का इंपॉर्टेंट होता है प्री ऑपरेटिव. अगर पेशेंट ओवर न्यूट्रिशन में है, जैसे ओबेस है, तो उसमें आपके सिस्टम्स इंपैक्ट होंगे, जैसे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड योर रेस्पिरेटरी फंक्शन विल बी इंपैक्टेड, ठीक है. इस क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को स्लीप एपनिया के चांसेस रहते हैं, विच इम्पेयर्स बोथ ऑफ दीज सिस्टम्स. अंडर न्यूट्रिशन है अगर पेशेंट के, तो पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी विल बी कॉम्प्रोमाइज, राइट. सो दोनों चीज़ों को असेस करना है और ऑप्टिमाइज करना है, इफ वी हैव द टाइम, इफ वी डोंट हैव द टाइम, आगे बढ़ो, सर्जरी तो करनी पड़ेगी अगर इमरजेंसी है तो, फाइन. देन आफ्टर फ्लूइड थिंग, नाउ यू शुड, वॉट यू शुड नो पोस्ट ऑपरेटिवली, जो न्यूट्रिशन सपोर्ट कैसे दिया जाता है, मैं तुम्हें मेन मेन बता दूंगी. एंटेरल न्यूट्रिशन क्या होता है पता है, और पेरेंटेरल क्या होता है, क्या होता है, मतलब बेसिकली आपके गट में कुछ डाल रहे हो, दैट इज एंटेरल, एंड अपार्ट फ्रॉम द गट इन एनी अदर मोड पेरेंटेरल, ठीक है. तो एंटेरल न्यूट्रिशन हम प्रिफर करते हैं, क्योंकि उसमें गट म्यूकोजा इंटैक्ट रहेगी, आपकी फ्लोरा आपकी नॉर्मल रहेगी, उससे आपका जल्दी रिकवरी सपोर्ट होगा. ओके, तो एंटेरल न्यूट्रिशन इज प्रिफर्ड. पर जिनमें हम नहीं दे पाते, हम उनमें फ्लूइड न्यूट्रिशन प्रमोट कर देंगे, सिप से, कार्ब, मोलर ड्रिंक एक्सेट्रा, जिसमें थोड़ा सा अमीनो एसिड्स मिक्स्ड होते हैं, दे विल प्रोवाइड यू प्रोटीन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. ओके, ये भी नहीं हो पाता, पेशेंट ओरली नहीं कंज्यूम कर पाता, तो आप क्या करोगे, ट्यूब फीडिंग करोगे, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब, नेजो जेजुनल ट्यूब, ठीक है. अगर पेशेंट के फॉर एग्जाम्पल इजोफेजियल कार्सिनोमा है, आपकी ट्यूब आप डाल ही नहीं सकते, ठीक है, या ट्रेकियो इजोफेजियल फिस्टुला है पेशेंट के, एस्पिरेशन के चांसेस हाई हैं, फिर आप क्या करोगे, गैस्ट्रोस्टोमी कर सकते हो या जेजुनोस्टोमी कर सकते हो, ठीक है. एक पैग याद रखना, परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी, नाम पता होना चाहिए. बेसिकली आप एंडोस्कोप यहाँ से डालते हो और ऊपर से इसमें यहाँ से लाइट जलती है, अंदर से आपने एंडोस्कोप डाला, सिंपल हिंदी में यहाँ से लाइट जला देते हैं, लाइट बाहर आपको दिखाई दे देती है, वहाँ आप स्टैब लगाते हो और इंसर्ट करते हो ट्यूब को, दैट इज परक्यूटेनियस एंडोस्कोपिक गैस्ट्रोस्टोमी. फिर जेजुनोस्टोमी होती है, जेजुनोस्टोमी भी आप कर सकते हैं, ठीक है. पेरेंटेरल न्यूट्रिशन आ जाता है, अगर आपका गट ही खराब है, या पेशेंट के रिसेक्शन एनास्टोमोसिस हुआ है, आई डू नॉट वॉन्ट टू डिस्टर्ब द सूचर लाइन, आई विल गिव पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, जिसमें कम्स टीपीएन. टीपीएन की फॉर्मुलेशन यू हैव टू मेमोराइज, क्योंकि दिस क्वेश्चन ऑल्सो कम्स इन योर एग्जाम, टीपीएन का, टोटल पेरेंटेरल न्यूट्रिशन, कि क्या फॉर्मुलेशन होता है, कितना किलो कैलोरी उसमें होता है, प्लस फैट परसेंटेज उसमें कितना है, अमीनो एसिड परसेंटेज कितना है, और डेक्स्ट्रोज का क्या परसेंटेज है, उसकी कॉम्प्लिकेशन. टीपीएन देने के लिए प्रेफरेबल लाइन आपकी कौन सी होती है, आईवी लाइन आपकी कौन सी, जगलर सबक्लेवियन वेन्स, ये प्रेफर्ड होती हैं आपकी, ठीक है, जो मेन वेन्स होती हैं आपकी. पेरिफेरल लाइन में प्रॉब्लम ये होती है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस हो जाता है. बेसिकली आप जब इतनी हाई कैलोरी कोई चीज़ देते हो, उससे आपके वेन में इन्फेक्शन हो जाएगा, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, मेडिकल साइंस में ऐसा कुछ नहीं होता जो पॉसिबल नहीं होता ना, तो आप पेरिफेरल भी देते हो. बट अगर 4 वीक से ज़्यादा आपको टीपीएन की नीड है, तो आप सेंट्रल लाइन डालोगे. सेंट्रल लाइन में सारी आती है, जगलर भी आती है, सब क्लेवियन भी आती है, फिमोरल भी आती है, बट फॉर टीपीएन वी प्रेफर
सप्लेवेन आई गेस. तो ये बुक से देखना, आई एम कंफ्यूज. ओके, इन दिस न्यूट्रिशन हो गया एंड देन कम्स योर पोस्ट ऑपरेटिव केयर. अब पोस्ट ऑपरेटिव केयर में पेशेंट के, मैं तुम्हें इसमें ईरास प्रोटोकॉल बता देती हूँ विच विल बी इम्पॉर्टेंट. ओके, इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव केयर में जिन चीज़ों का ध्यान रखना है, पेशेंट का एयरवे पेटेंट है कि नहीं, रेस्पिरेशन इफेक्टिव है कि नहीं. अगर पेशेंट के रेस्पिरेटरी एफर्ट्स खुद के नहीं है तो हमें उसको सपोर्ट करना पड़ेगा बाय द मीन्स ऑफ अ वेंटिलेटर. प्रेजेंस ऑफ आर्टिफिशियल एयरवेज, मैकेनिकल वेंटिलेशन, ऑक्सीजन, वाइटल साइंस असेस करने हैं, TPR, BP, फ्लूइड बैलेंस देखना है. फ्लूइड बैलेंस कैसे देखते हो, आप इनपुट कितना दे रहे हो IV के थ्रू और पेशेंट का आउटपुट कितना आ रहा है. आउटपुट क्या होता है, यूरिन आउटपुट, राइज ट्यूब आउटपुट, अगर अब्डोमिनल या कहीं पे भी और ड्रेन डाला है तो उसका आउटपुट, इसको आप ऐड करते हो. साथ में आप ऐड करते हो इनसेंसिबल वाटर लॉसेस, गर्मियों में अराउंड 700-800 ml होता है और सर्दियों में होता है 400 ml के अराउंड. ठीक है, यह है इनसेंसिबल लॉसेज, इनको भी ऐड करना है. ठीक है, इसके बाद आप पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल ये सब देखते हो. ये असेसमेंट्स जो हैं आपके जनरल कंडीशन, वाइटल, फ्लूइड स्टेटस, रेस्पिरेटरी, सीवीएस पेन, बॉवल ब्लैडर फंक्शन, वूंड कंडीशन, ट्यूब्स, ड्रेन्स, IV लाइंस, ऑनगोइंग असेसमेंट, ये पेशेंट का आपको रोज करना होता है पोस्ट ऑपरेटिवली. ठीक है, नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड ईरास. ईरास इज इनहैंस्ड रिकवरी आफ्टर सर्जरी. इट हैज गॉट 3 types ऑफ कॉम्पोनेंट्स, प्री ऑपरेटिव, इंटर ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव. प्री ऑपरेटिव में, और इट इज एम्ड एट, वॉट इज द एम ऑफ ईरास प्रोटोकॉल्स, इसका एम है कि पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव रिकवरी एज फास्ट एज पॉसिबल हो सो दैट द हॉस्पिटल टाइम ड्यूरेशन इज रिड्यूस्ड. ओके, तो इसमें हम क्या करते हैं, प्री एडमिशन काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की, फ्लूइड और कार्बोहाइड्रेट लोडिंग करेंगे. ये जो नए कॉन्सेप्ट हैं कि आपको जो क्लियर लिक्विड हैं 2 घंटे पहले तक आप दे सकते हो, वो आप इसीलिए देते हो, दैट इज ओनली फ्लूइड एंड कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, नो प्रोलॉन्ग फास्टिंग. 8 घंटे से कम करके हमने 6 hours कर दिया उसको. ठीक है, नो और सिलेक्टिव बॉबल प्रिपरेशन. नाउ व्हाट इज बॉबल प्रिपरेशन एक्चुअली, जैसे पेगाइलेटेड अपन पेग लेग देते हैं पेशेंट के, उससे सारा का सारा जो GI है आपका, मतलब उसमें जो भी फीकल कंटेंट है वो सारा इवैक्यूएट हो जाएगा. ये कब जरूरी होता है, जब आप बिल्कुल कोई मेजर गट सर्जरी कर रहे हो, ताकि आप जो एनास्टोमोसिस वगैरह करो उसमें आपको फील्ड क्लियर मिले, स्पिलेज ना हो, इन्फेक्शन ना हो. बट सब में नहीं करना होता, ठीक है, सब में जरूरत नहीं होती है करने की. तो सिलेक्टिव बाउल प्रिपरेशन करनी है, एब्सोल्युटली जहाँ नीडेड है वहीं पे करनी है. ओके, एंटीबायोटिक प्रोफाइल एक्सिस, थ्रोम्बो प्रोफाइल एक्सिस में जो भी मैंने आपको बताया, स्टॉकिंग्स और एजेंट्स लाइक एंटीप्लेटलेट एजेंट्स, वॉरफेरिन जैसे एजेंट्स, पेशेंट को मोबिलाइज करवाना, अर्ली मोबिलाइजेशन एंड नो प्री मेडिकेशन. ठीक है, इंट्रा ऑपरेटिव में शॉर्ट एक्टिंग एजेंट्स आर टू बी यूज्ड, मिड थोरैसिक एपिड्यूरल एनेस्थीसिया. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. एंड नो ड्रेन्स. अब नो ड्रेन्स में एब्सोल्युटली नो ड्रेन्स नहीं हो सकता, वी हैव टू अवॉइड ड्रेन्स बेसिकली. ठीक है, देन कम्स द पोस्ट ऑपरेटिव पार्ट. इसमें अगेन पोस्ट ऑपरेटिव में जो आपका एपिड्यूरल है वो आप लगा रहने दोगे, वार्ड में आप बोलस लगाओगे या कंटिन्यूस इन्फ्यूजन चलाओगे उसमें. नो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब्स, ट्यूब्स अब हमें हटानी है, NG ट्यूब हमें नहीं लगानी. कैथेटराइजेशन पेशेंट का नहीं करना अनलेस रिक्वायर्ड. ठीक है, एंड प्रिवेंशन ऑफ नोजिया वॉमिटिंग, अवॉइड सॉल्ट एंड वाटर ओवरलोड, अर्ली कैथेटर रिमूवल, अर्ली ओरल न्यूट्रिशन, नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स यूज करने हैं. कॉन्सेप्ट में सारे बता चुकी, बस ये पॉइंट्स हैं. अर्ली मोबिलाइजेशन ऑफ द पेशेंट, अर्ली मोबिलाइजेशन से पेशेंट की रिकवरी फास्ट होती है और अर्ली मोबिलाइजेशन से जो पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिवली जो प्रोटीन मोबिलाइजेशन होता है फ्रॉम द स्केलेटल मसल जो पेशेंट को वीक बनाता है वो अवॉइड कर सकते हैं हम बाय अर्ली मोबिलाइजेशन. एंड स्टिमुलेशन ऑफ गट मोटिलिटी, ऑडिट ऑफ कंप्लायंस एंड आउटकम्स. ऑडिट बेसिकली रिकॉर्ड होता है पेशेंट की, कोई प्रॉब्लम हुई हो सर्जरी या उसके बाद में, या कोई एलर्जी कुछ भी प्रॉब्लम हुई हो उसको आप रिकॉर्ड रखते हो. उन ऑडिट से फिर आप पोस्ट ऑपरेटिवली असेस करते हो कि क्या प्रॉब्लम है और उसको इम्प्रूव करते हो वट एवर इट इज. तो इट हैज गॉट 3 components. तो ईरास एक ये टर्म इंपॉर्टेंट है. मैंने 2 grade, एक ईरास तुम्हें बताया. इसके अलावा प्री ऑपरेटिव पेरी ऑपरेटिव में ये सारे कॉम्पोनेंट्स आते हैं इफ यू आर आस्क्ड इन अ क्वेश्चन. ठीक है, दैट्स इट. ये नहीं आया तुम्हारे स्टूडेंट्स यार, इनको अटेंडेंस नहीं चाहिए आने के बाद भी, तो फिर तुम 4 ही दे दो.